लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से ये देखिए तो देखिए ये हालत है। अरे रुको रुको निकल रहे हैं। तो देखा आपने, इस घटना को देखकर ऐसा ही लगता है कि बिहार में बदमाशों की ही बहार है। जिस तरह मीडिया कर्मी के साथ इस तरह बदसलूकी की गई, हमारा कैमरा छीना गया, हमारी टीम के साथ मारपीट की गई, ये बताती है कि इस पूरे इलाके में पुलिस का कोई पहरा नहीं है। पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रही है और तमाशबीन बनकर देख रही है, कुछ नहीं यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल है। कोई घटना को काबू में करने की कोशिश नहीं हो रही। एक तरफ कम्युनिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया जाता है, दूसरी तरफ रिपोर्टिंग टीम के साथ इस तरह बदसलूकी होती है, मारपीट की जाती है, कैमरा छीना जाता है। बदमाशों पर काबू करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। निखिल आनंद हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ गए। निखिल जी, अगर आप टीवी देख रहे हो तो साफ है तस्वीरें, बिहार में बदमाशों की ही बहार है। हमारी टीम के साथ इस तरह मारपीट की गई है, हम रिपोर्टिंग करने गए थे वहां पर। देखिए बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल अराजकता का माहौल है। और मैं आपको आंकड़ों में बताता हूं कि अगस्त 2022 में जब महागठबंधन की सरकार आई है, तब से अभी तक 5000 हत्याएं हो गई है। करीब करीब 2-4-5 कम होंगे, लेकिन 500 अटेम्प्ट टू मर्डर है। और गैंग रेप, बलात्कार, हत्या, फिरौती, अपहरण की घटनाएं लगातार जारी है। जिस तरह से खनन माफिया, शराब माफिया और आपराधिक गिरोह, संगठित आपराधिक गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और सरकार में शामिल लोग उसके संरक्षक बने हुए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ गृह मंत्री रह गए हैं, तेजस्वी यादव सुपर सीएम की भूमिका में है। और जिस तरीके से सिर्फ राजनीति करने के लिए, दीवा स्वप्न पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी इधर उधर घूम रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि बिहार की जनता के हित में, बिहार की जनता के हक में और बिहार की आवाम को अपनी दीवा स्वप्न के लिए दांव पर दांव लगाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आनंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। निखिल आनंद, बिहार बीजेपी के नेता ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, पूरे बिहार में लगातार अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह की गुंडागर्दी इस पूरे इलाके में नजर आ रही है, उसके बाद अब क्या पुलिस प्रशासन की नींद जो है वो टूटी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रात से सुबह हो गई, लेकिन सत्ता में बैठे जो हुक्मरान हैं, ना उनकी नींद खुल रही है, ना ही तमाम जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नींद खुलने का नाम ले रही है। अब कोई पहुंचा है वहां पर या नहीं? कोई नहीं पहुंचा है और रात से यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर देखिए किस तरीके से क्या हालात हैं। मेरे सहयोगी कुणाल हैं, कुणाल की आंखों में देखिए किस तरह से इन्हें पीटा गया है, किस तरह से मारा गया है। हमारे कैमरे छीन लिए गए, कैमरे तोड़ दिए गए, और जब मैं अपना कैमरा वापस करने की मांग कर रहा हूं बार बार, फिर से पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि गंगा नदी में कैमरा आपका फेंक दिया गया है। लेकिन सामने आप दृश्य देखिए, धुआं धुआं आपको सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ धुआं धुआं है। और लानत है, ये वाकई पुलिस के ऊपर लानत है। ये राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है, 24 घंटे से यहाँ आग लगी हुई है, चारों तरफ उपद्रवी फैले हुए हैं और पूरी तरह से ये इलाका उपद्रवियों, दबंगों, अपराधियों के कब्जे में 24 घंटा से ज्यादा। समीर, अगर आप ये धुआं देख पा रहे हो, आप ये कैमरे की नजर से अगर आप धुआं देख रहे हो तो समझा जा सकता है कि क्या हालात है यहाँ पर, किस तरह से वाकई लानत मलानत जितनी आप कर लीजिए वो कम है। और देखिए फिर पीछे के रास्ते से यहाँ पर पुलिस वाले आ गए हैं कि धुआं कहाँ उठ रहा है। और ये जरा पुलिस वालों को देखिए, ये इनकी मर्दानगी को किस तरीके से यहाँ पे लकवा मारा हुआ है, ये कितनी लानत भेज दी जाए, वाकई ये शर्मनाक है। 24 घंटा से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है और एक इलाका पूरी तरह से आप देखिए ये कब्जे में, धुआं धुआं, और ये इन लोगों को देख लीजिए, ये इनकी हालत है। और ये देखिए खून, पटना की सड़कों पर खूनम खून, ये लोग यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए ये हालत है। और इस तरह से अगर पुलिस को इस तरह से अगर लकवा मारे हुए रहेगा तो पटना की सड़कों पर खून दिखेगा। ये है पटना की पुलिस, ये देखिए ये पुलिस है, पुलिस यहाँ पर तमाशाई भीड़ की तरह खड़ी है। और ये सामने देखिए
चारों तरफ जहां आप देखिएगा इस पूरे गांव में आग ही आग लगा हुआ है। गैस गोदाम में आग लगा हुआ है, आईटीआई सेंटर में आग लगा हुआ है, दो मकानों में आग के हवाले कर दिया गया है, मैरिज हॉल है वहां पर आग लगी हुई है। और उसके बाद से ये धुएं का जरा गुबार देखिए, ये काला धुआं, ये पुलिस के चेहरे पर काला, अगर ये धुआं है तो इस धुएं से जितनी आप लानत मलानत ये धुआं भेज सके ये नाकाफी है। ये देखिए यहाँ किस तरीके से, किस चीज के इंतजार में ये लोग खड़े हैं, क्या तमाशा देख रहे हैं ये समझ से परे है कि आखिर ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या तमाशा देख रहे हैं, क्या सब कुछ, क्या राजधानी तक ये धुएं का गुबार नहीं पहुंच रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब एक गांव देख लीजिए आप, देखिए किस तरीके से जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मेरे कैमरे छीन लिए गए, मेरे और मेरे सहयोगी के साथ कुणाल के साथ इतनी बेतरह मारपीट की गई है जिसका बयां करना मुश्किल है। लेकिन शायद यहां पर बयां करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप देखिए समीर, इस धुएं के गुबार को देखिए, इस उठते हुए काले धुएं को देखिए, क्या ये काला धुआं उस डीजीपी तक नहीं पहुंच रहा है जो ये कह रहे हैं कि आप अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे। आज अपराधी आपको दौड़ाएंगे ये अक्षरशः सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आग लगी हुई है, दबंग अपराधी उपद्रवी एक गाँव को पूरी तरह से कब्जे में किए हुए हैं और पुलिस यहाँ पर दौड़ रही है।